हेलो रिच पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं ये इस वीडियो को लास्ट सेशन में आपके लिए शूट कर रहा हूँ, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, व्हाई वी स्विच आर जॉब। हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे पॉइंट्स में कवर किए। इट्स लाइक कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी का मैनेजमेंट जो भी रहता है, आपके पॉलिसीज के लिए एनवायरनमेंट, आपकी कंपनी के जो टाइमिंग्स होते हैं और वर्क टाइमिंग, बेसिकली क्वालिटी वर्क, आपका टीम कोऑर्डिनेशन, इमीडिएट सुपरवाइज़र, या टाइमिंग का इशू बहुत ज़्यादा होता है। एक और सुपरवाइज़र के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो सारी चीज़ें अलग हैं। हर किसी का अपने सुपरवाइज़र के लिए एक अलग एक अलग ही तरीके से एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। बाय गॉड, मुझे जो सुपरवाइज़र मिले वो बहुत अच्छे मिले। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑन कैमरा हूँ, बट एक्चुअली मेरे जो सुपरवाइज़र हैं वो बहुत अच्छे हैं। दे एक्चुअली सपोर्ट मी। इसको मैं एक्चुअली वीडियो को मैं ख़त्म करने वाला हूँ इस सेशन, और इसमें लास्ट में आपके लिए मैं जो एक इन्वेस्टमेंट का आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट टिप देने वाला हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ही प्लीज़ उसे कंसिडर कीजिएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और जल्दी पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए वो। उसके लिए आप वेट कीजिए, मैं आपको लास्ट में उसको बता देता हूँ, आपका जो भी एक इन्वेस्टमेंट टिप है। फिलहाल वीडियो के लास्ट सेशन के लिए चलते हैं, जो कि हमारे पॉइंट्स अभी कवर नहीं हुए। आई थिंक 2 या 3 पॉइंट्स रह गए हैं। एक अगर मैं आपको बोलूँ, इमीडिएट आपका सुपरवाइज़र जो होता है, कभी कभी जब वो मूव करता है और एक्चुअली अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है या आपकी काफ़ी चीज़ें सही चल रही हैं, बिकॉज हमारी वर्क ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी होती है कई बार सुपरवाइजर्स के साथ में, वो हमें समझ रहे होते हैं कि वर्क कल्चर क्या है, हमें किस तरीके से काम करना है, और सामने वाला बंदा परफॉर्मिंग है, तो उन चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आपका इमीडिएट सुपरवाइज़र आपका मूव कर रहा है तो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगने लगती है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, आपको सुपरवाइज़र कभी कभी जब चला जाता है या कंपनी से दूसरी किसी और वर्क एलोकेशन में शिफ्ट हो जाता है, आपको किसी नए सुपरवाइजर के साथ काम करना पड़ता है, जो शायद आपको उतना कंपैटिबल नहीं होते और वो भी आपको थोड़ा सा इरिटेट करती हैं चीज़ें, बट ट्राई कीजिए, मे बी शायद आप सेटल कर जाएं। एनीवेज, दैट इज़ अप टू यू, आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बोलूँ, टॉपिक सॉरी, एक पॉइंट इसके ऊपर मेरा रहेगा स्विच के लिए। एक हर बंदा ग्रोथ के लिए काम करता है, मॉनिटरी एंड डेजिग्नेशन एज वेल। तो ये दोनों ही पॉइंट मैं इस ग्रोथ में पॉइंट कवर करने कर रहा हूँ आपको। मॉनिटरी पॉइंट इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट। कंपनी साल में आपको अप्रेजल कितने दे रही है, कितना नहीं दे रही है, आपकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक बार के लिए शायद आप अपने डेजिग्नेशन को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं, लेकिन अगर आपकी मॉनिटरी टर्म्स या मॉनिटरी जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ योर फाइनेंशियल हेल्थ, अगर वो आप उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है दैट इज़ एक्चुअली वे स्ट्रांग पॉइंट जहां आप स्विच करना पसंद करते हैं, क्योंकि स्विच करने में आपको एक एवरेज हाइक मिलता है 25-30 मे बी 40-50%, जो भी आप बार्गिंग कर लेते हैं या कंपनी सामने से आपको ऑफर कर रही है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनी, ऑब्वियसली मेरे वीडियो ज़्यादातर मनी मनी से रिलेटेड ही है, तो वो मेरे लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑब्वियसली सबके लिए है, आपके लिए भी, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग भी पैसे के लिए काम करते हैं, थोड़ा बहुत आपको भी पैसा चाहिए। डेजिग्नेशन ग्रोथ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार होता है हम लोग एक ही डेजिग्नेशन पे काम करते करते उस चीज़ को डिजर्व करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी क्वालिटीज़, अपने पोटेंशियल के हिसाब से हम लोग एक नेक्स्ट लेवल डिजर्व करते हैं, बट कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, या जो इमीडिएट मैनेजमेंट होता है वो उतना ज़्यादा प्रमोशंस नहीं दे रहे होते हैं आगे, जिस वजह से आपका डेजिग्नेशन ग्रोथ भी रुक जाता है, जिस वजह से एम्प्लॉय का जो वर्क प्रॉब्लम है वो बढ़ता है, उसको थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट लगता है एक सेम पोजिशन में बैठ के काम करते रहना हमेशा। तो ग्रोथ के अंदर मॉनिटरी एंड डेजिग्नेशन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट मॉनिटरी शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहे मेरे सारे पॉइंट्स जो मैं कवर कर रहा था अभी तक अपने इस टॉपिक के ऊपर, वाई वी स्विच जॉब।
और वाई वी स्विचार जॉब। ये वीडियोस आज यहाँ ख़त्म होते हैं इस टॉपिक के। लास्ट जो मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था, अगर आप एक्चुअली इन्वेस्टर हैं, मैं एक हफ्ते 10 दिन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 10-20 दिन के बात करते हैं तो आप इन्वेस्टर नहीं हैं। प्लीज़ इसको यहीं रोक दीजिएगा, अपनी वीडियो को आगे मत देखिए। बट अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने एक्चुअली, तो आप शेयर मार्केट में अपने अकाउंट को कैरी कर रहे हैं। मैं आईटी कंपनीज के ऊपर थोड़ा बुलिश ज़्यादा रहता हूँ, क्योंकि आईटी कंपनीज और एक्चुअली डेटा साइंस ही फ्यूचर है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए अभी मैं आपको एक जो टिप देने वाला हूँ वो एक आईटी कंपनी के ऊपर है। और एक चीज़ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप कभी भी किसी भी कंपनी को चूज़ करते हैं, उस कंपनी के ऊपर पूरा पैसा जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का है एक बार में मत लगाइए। सपोज़ आपने किसी कंपनी के भी शेयर्स खरीदने और आप 50,000 उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डू नॉट इन्वेस्ट 50,000 इन अ सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट। आपको देखना चाहिए उस शेयर का एक्चुअली मूवमेंट क्या चल रहा है। मे बी हो सकता है मार्केट का थोड़ा सा करेक्शन हो और आपको वो शेयर और 20-30 रुपये 40 रुपये नीचे मिले। लॉन्ग टर्म में हमेशा अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आपको प्रॉफिट देगी ही देगी। सो प्लीज़ अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना सीखिए और अच्छी कंपनीज में ही इन्वेस्ट कीजिए। तो आज की वो अच्छी कंपनी है मेरी तरफ से आपके लिए, विप्रो। करेक्ट, विप्रो। और वाई विप्रो? क्योंकि विप्रो रिसेंटली आई थिंक लास्ट 5 और 6 ट्रेडिंग सेशंस से पहले करीब ऐसा हुआ है, वो अपने 200-डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये इसका एक डिक्लाइन स्टेज है जो ट्रेड कर रहा है। एंड शेयर प्राइस अराउंड, अगर मैं आपको बोलूँ, शायद 560 के आसपास शायद आजकल ट्रेड कर रहा है। अगर आप ये वीडियो मेरा बाद में देख रहे हैं तो शायद प्राइस चेंज हो गया होगा। तो विप्रो मेरा कॉल है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास शेयर के लिए अकाउंट है तो प्लीज़ आप विप्रो में धीरे धीरे से इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। विप्रो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा, बात मान के चलिए। बाकी आप अपनी स्टडी खुद कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एडवाइस है। आपको अपने जजमेंट, अपनी थ्योरी, अपनी चीज़ें खुद सीखनी चाहिए, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आप बढ़ेंगे, चाहे पैसा हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। सीखते रहिए, बनाते रहिए और एक्चुअली बनाते रहिए पैसा। स्टे ट्यून। थैंक यू गाइस।